सभी का आपके अपने चैनल आरपीएस समाचार में। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस वक्त की कुछ खास खबरों के साथ। योगी बोले, हमें बताया गया कि आगरा में सर्किट हाउस में बूथ है। हमने कहा कि हम रुकेंगे और बूथों से संवाद करेंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि नोएडा में कोई सीएम ना आए, इसके लिए अफसरशाही ने एक अंधविश्वास फैलाया है। इसी तरह आगरा के सर्किट हाउस में बूथों का खौफ बताया गया। देश के प्रमुख औद्योगिक संगठन फिक्की की राष्ट्रीय कार्यकारिणी बैठक में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि नोएडा, आगरा और बिजनौर के मुख्यमंत्री के लिए मनहूस शहर का तमगा अफसरशाही की देन है। उन्होंने कहा कि नोएडा हजारों करोड़ों की लूट का अड्डा बन गया था। वहां मुख्यमंत्री ना आए, इसलिए नोएडा को मनहूस बताकर दूर रखा जाता था। इस मिथक को उन्होंने यह कहते हुए तोड़ दिया कि कुर्सी पर जिंदगी भर के लिए बैठने नहीं आया हूं। अगर नोएडा जाने मात्र से मुख्यमंत्री की कुर्सी कल जाती हो तो आज चली जाए, लेकिन वह नोएडा जाकर रहेंगे। नतीजा सामने है कि एक मरता हुआ शहर आज जीवंत हो उठा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बेबाक अंदाज से प्रभावित उद्योगपतियों की तालियों से गोमती नगर स्थित होटल का सभागार कई बार गूंजा। रॉ में दिख रहे योगी ने कहा कि आगरा के सर्किट हाउस में भूत का खौफ दिखाकर रुकने नहीं दिया जाता था। इस पर योगी ने अफसरों से कहा कि वे आगरा के सर्किट हाउस में ही ठहरेंगे और भूतों के साथ संवाद करेंगे। वे रात में रुके और भूतों की चहलकदमी का मिथ तोड़ा। इसी तरह बिजनौर के बारे में अफवाह उड़ा रखी थी कि वहां रात में सीएम का ठहरना अशुभ है। मुख्यमंत्री ने वहां रात बिताकर इस धारणा को भी खत्म किया। उन्होंने कहा कि वर्ष 2016 में बुंदेलखंड में भारत सरकार को टैंकर से पानी भेजना पड़ता था, आज हर घर में नल से पानी पहुंच रहा है। योगी ने कहा कि उत्तर प्रदेश में बीच के एक कालखंड को घोर अंधकार का युग कह सकते हैं। इस दौर ने उत्तर प्रदेश को एक बीमारू राज्य के रूप में बदल दिया था। न केवल प्रदेश बल्कि यहाँ के युवाओं के सामने पहचान का संकट खड़ा हो गया था। नई इंडस्ट्रीज तो छोड़िए, पुरानी इंडस्ट्रीज भी जाने को तैयार हो चुकी थी। माफियाओं का कब्जा था। ना तो किसी उद्यमी के पास फिरौती के लिए किसी में फोन करने का दम है और ना ही कोई किसी फैक्ट्री को बंद करने की धमकी दे सकता है। यही जीरो टॉलरेंस नीति है जिसके दम पर आज उत्तर प्रदेश तेजी से विकसित राज्यों की तरफ अपने कदम बढ़ा रहा है। अपने इस मिशन में उन्होंने उद्योगपतियों से आह्वान किया है कि वे यूपी की तरक्की में अपना हाथ बटाएं और युवाओं को रोजगार दें, सरकारी योजनाओं का लाभ लें। सीएम इंटर्नशिप योजना की जानकारी देते हुए कहा कि पैसा सरकार देगी, प्रशिक्षण आप दें, जिसका फायदा आपको ही मिलेगा। कार्यक्रम में मुख्य सचिव दुर्गा शंकर मिश्र, अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास आयुक्त मनोज कुमार सिंह, फिक्की के राष्ट्रीय अध्यक्ष सुब्रकांत पांडा, महासचिव शैलेश पाठक, वरिष्ठ उपाध्यक्ष अनीश शाह, फिक्की यूपी चैप्टर के अध्यक्ष मनोज गुप्ता आदि मौजूद रहे। इसी प्रकार की अगली बड़ी खबर में तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए आरपीएस समाचार।